Hello students, welcome to Talking Textbook, Leaving No Child Behind, present from Kota to India Teaching Lab. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about 6th lecture of Circle and that is Olympiad level questions. So, beta, aaj hum jo discuss karne wale hain, wo hai hamara lecture number 6, Olympiad level questions related, jo ki kafi easy, amazing aur shandar lecture rehne wala hai. Kyunki aaj ka jo hamara lecture hai na, wo mainly dependent hai hamare पूरा जो चैप्टर है उसी के क्वेश्चंस के बेस पर, जैसा कि आप हर एक चैप्टर में करते हुए आए हो. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं पहले प्रमोशनल पार्ट के बारे में. तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हम आपको यहां प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 टू 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं. ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो. आई होप मैं इसी आपसे पूरी पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें. इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं. सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और किसी भी तरह का कोई भी क्वायरी करना हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो आप काफी अच्छे से वाकिफ है. सही, मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन. अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल. जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं. और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं. क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009, जो कि आपकी मेन क्लास है. ओके, और क्लास 10th का ग्रुप कोड भी इसी तरह से t.m/ttb010. आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है. अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in. जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप देखोगे कि आपको इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे. आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर टू टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं. फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है. फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 10,000 रुपीज और सेकंड पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज. फर्स्ट पैकेज में आपको यहाँ पर मिलने वाला है कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर. इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है. तो क्या करना होगा आपको, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर. अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशियंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर टेस्ट सीरीज का. जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको ओनली ऑन 3,500 रुपीज में जो टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस भी मिल रहे हैं. तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर. जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर. कितना, 30% का. लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका कूपन कोड रहने वाला है LSLIVE. मतलब कि इस LSLIVE कूपन कोड के बिहाफ पर आप यहाँ पर डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LSLIVE कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000, और सेकंड पैकेज के लिए अगर LSLIVE कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा. तो आपने देखा ना कितना शानदार, धमाकेदार, जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है. तो फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक करके आपको कहाँ पहुंच जाना है, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर. जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा. साथ में आपको यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है पेमेंट की, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. इस पूरी प्रोसेस में अगर बेटा आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549044111. आपको क्या करना है, फटाक से इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो कम्प्लीटली आप क्वायरी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके
कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट से इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और इस नंबर को भी नोट कर लीजिए। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। चलिए तो फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम हमारा आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक कार्डिनल प्रॉमिस करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, इसी आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। ओके, तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 6 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आपके सामने आज रिप्रेजेंट होने वाले हैं। यहाँ पर सर्कल चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन फेस स्टडी किया। इस इंट्रोडक्शन फेस में मैंने आपको बताया कि सर्कल क्या होता है और सर्कल के जनरल डेफिनेशन के लिए हमने एक एग्जांपल यूज़ किया था कि मान लीजिए कि ये आपका एक पोल है और इस पोल पर अगर आप 4 मीटर की एक रस्सी बांध देते हैं और उस रस्सी को चारों तरफ घुमाते हैं तो एक आपको जो शेप मिलेगा इस प्लेन पर, ये क्या होगा, आपका सर्कुलर शेप होगा, मतलब कि हमें ये सर्कल मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर चारों तरफ राउंड करते हैं तो राउंड करने पर हमें जो वो पॉइंट्स मिलते हैं उन पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा वही क्या होगा, हमारा सर्कल होगा। क्लियर है, इसीलिए ए पॉइंट ए कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस एंड फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड डिस्टेंस से बने हुए जितनी भी आपके पॉइंट्स है उनका कलेक्शन जो होगा वही आपका सर्कल होगा। फिर हमने इसमें देखा कि सर्कल की रेडियस क्या होती है, डायामीटर क्या होता है, कोड, फिर हमने इसी में आर्क के बारे में डिस्कशन किया। आर्क को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेजर आर्क, माइनर आर्क। फिर सेगमेंट में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया सेगमेंट के बारे में, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है। फिर हमने आगे यहाँ पर डिस्कस किया कि हमारे पास जो सेक्टर है वो किस तरह से होता है। ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम मेनली जो डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो करेंगे, इसी साथ में हमने एक और टॉपिक यहाँ पर कवर किया था रिलेशन आर्क रिलेशन से रिलेटेड, आर्क से रिलेटेड जो भी आपके रिलेशंस है उनसे रिलेटेड जो हमने थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया कि एक तो थ्योरम जो आपकी थी फर्स्ट, अगर 2 कोर्ड्स आपस में इक्वल है तो वो सर्कल के सेंटर पर बनने वाले एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सर्कल के सेंटर पर अगर बनने वाले एंगल्स आपस में इक्वल है तो दोनों कोर्ड्स भी आपस में इक्वल होगी। फिर अगर हम सर्कल के किसी कोड पर सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर चुके हैं। फिर इन्हीं से रिलेटेड हमने आगे के कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी सारे डिस्कस किए तो उन्हीं को कंटिन्यू आगे हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो फटाफट से देख लीजिए, चलिए बाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रीरिक्विटीज आपके क्या क्या रहने वाले हैं, इस लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स आपके क्या रहने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो आप चाहें तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ओके, हो गया नोट। तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपके पास एक पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, एक यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो पी आर इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल और पी आर जो है इस सर्कल का क्या है, डायामीटर है, ठीक है। इफ पी क्यू इक्वल 7 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास पी क्यू की लेंथ 7 सेंटीमीटर है और क्यू आर की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है, आर एस की लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है, तो हमें पी एस का लेंथ फाइंड करना है। तो देखो ये आपका सर्कल, ठीक है, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, मतलब कि हम इस तरह से ले लेते हैं पी क्यू, ये आर और ये एस, ठीक है। अब हमें यहां पर जो जो गिवन है ये देखिए, पी क्यू की लेंथ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, क्यू आर ये रहा क्यू आर, क्यू आर की लेंथ है आपके पास 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है मेनली पी एस, ये वाला लेंथ फाइंड करना है। अब इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा ये पता होना चाहिए आपको।
तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मान लीजिए हम यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं पी आर, तो अब आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। अब फटाफट से सॉल्व करके मुझे बताओ कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट से जल्दी से, 30 सेकंड्स का लिए आपके पास टाइम है, फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे कि क्या रहने वाला है। शायद टाइमर हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया है, कोई बात नहीं, करने दो टाइमर को भी प्रॉब्लम क्रिएट, हम फिर भी सॉल्व कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमें टाइमर से लेना देना नहीं है, हमें तो हमारे क्वेश्चन से रिलेशन रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व कर लिए तो सारी चीज़ें आपको ज़बरदस्त समझ में आने वाली है। फटाफट से आ जाओ, 30 सेकंड्स का टाइम ओवर होते ही जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे क्या आंसर मिलने वाला है आपका। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताओ फटाफट से। हमें यहाँ पर पी एस फाइंड करना है, क्या करना है बेटा, पी एस, और इस पी एस को फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, तो सारी देखो फटाफट से बताओ और सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कि क्या मिलने वाला है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए बी सी डी चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से बता दो मुझे, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स का ही टाइम है, ज़्यादा नहीं है, वॉच आपके पास भी है, वॉच मेरे पास भी है, मेरा टाइमर तो कंटिन्यू ऑन है ही सही, मुझे तो नज़र आ रहा है यहाँ पर, फटाफट से बताओ। देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, सबसे पहले हम बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में हम देखते हैं अगर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ना, क्लियर। तो हम यहाँ पर पी आर की लेंथ फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, तो पी आर स्क्वायर इक्वल किसके होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलिए हम सबसे पहले इस पी आर की लेंथ को फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें ये पी आर तो ऑलरेडी फाइंड करना है, पी क्यू की लेंथ है 7 और आर क्यू की लेंथ है आपके पास 6, तो फाइनली पी आर स्क्वायर 49 प्लस 36, क्लियर। तो पी आर स्क्वायर इक्वल 85, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो पी आर इक्वल मिलेगा आपको रूट 85, कितना मिलता है रूट 85 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास रूट 85 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब हम यहाँ से इस पी एस को फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। इसके लिए हम ट्राइंगल लेते हैं, और ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो, पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर। ट्राइंगल पी एस आर में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, मतलब कि आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मतलब कि पी एस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी आर के स्क्वायर के प्लस एस आर के स्क्वायर के, सॉरी माइनस, क्योंकि यहां पर पी आर आपके पास हाइपोटेनियस है और एस आर आपका बेस है, क्लियर। ये परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, तो ये देखो पी एस स्क्वायर इक्वल रूट 85 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक। चलिए पी एस स्क्वायर इक्वल स्क्वायर से रूट कैंसिल माइनस 4, समझ में आया यहाँ तक पूरा। यहाँ से पी एस स्क्वायर इक्वल 81, पी एस इक्वल रूट 81, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो फाइनली ये आपको मिलती है 9 सेंटीमीटर, कितनी 9 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से हमें इन्हें सॉल्व करना है, ओके। फटाक से नोट करो, मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो फटाफट, ताकि चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ गया यहाँ तक पूरा पूरा आपको, आया ना, फटाफट बोलो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल लेते हैं और ए बी और सी डी, तो ये ए बी डायमीटर हो गया और ये सी डी डायमीटर हो गया, ठीक है, ए बी और सी डी विथ सेंटर ओ, और इनका सेंटर है हमारे पास ओ, एंगल ओ बी डी, ओ बी डी मतलब कि ये वाला एंगल, ये एंगल है आपके पास
50 डिग्री, कितना है 50 डिग्री, फाइंड द एंगल AOC, मतलब कि ये एंगल आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ओके अब फटाफट से ये एंगल AOC मुझे फाइंड करके बता दो कि आपके पास ये वाला एंगल कितने डिग्री का रहने वाला है, फटाफट से जल्दी से। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर बताओ मुझे जल्दी से, क्या आपका करेक्ट आंसर मिल रहा है यहाँ पर? ए बी सी डी हमारे पास चारों ही ऑप्शन है। टाइमर हमारा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, टाइमर छोड़िए, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने पर ध्यान दीजिए जल्दी से फटाफट से। जल्दी से बताओ बेटा क्या करेक्ट आंसर है आपका, सारी चीजें आपके सामने हैं, जल्दी से, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें देखो फटाक से बताओ और सॉल्व करके, मैं 30 सेकंड्स का आपको टाइम दे रहा हूँ। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, 30 सेकंड्स स्टार्ट हो गए आपके, नाउ फटाफट अब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये देखिए। हमें सिर्फ यहाँ पर एंगल AOC फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल AOC। अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इस एंगल को फाइंड करने के लिए देखो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल लोगे, अगर आपको ये वाला एंगल पता चल जाता है एंगल बी, तो आपका सारा काम ईजी हो गया है, क्या हो गया है, सारा काम इजी हो गया है। तो फटाफट से एंगल ODB फाइंड कर लो, एंगल ODB फाइंड करते तो आपके लिए ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ना वो यूज हो जाएगी यहाँ पर। फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर मिल रहा है आपको, जल्दी से बेटा 30 सेकंड्स का टाइम कंप्लीट होने वाला है, जल्दी करो फटाफट। चलो आओ देखो मैं बताता हूँ, हम यहाँ पर देखते हैं AB एंड CDR टू डायामीटर, ठीक है, ऑफ ए सर्कल, सर्कल के ये टू डायामीटर है। एंगल OBD कितना गिवन है हमें, 50 डिग्री, OBD कितना गिवन है 50 डिग्री, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, इजीली और अच्छे से समझ में आएगी सारी चीज़। यहाँ पर आप क्या देखते हो कि आपके पास ये OB और OD क्या है, रेडियस है, OB इक्वल है किसके, OD के, क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ ए सर्कल है, क्लियर। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि एंगल OBD जो है ना वो इक्वल होगा एंगल ODB के, क्लियर। तो फाइनली एंगल ODB भी कितना मिलता है आपको यहाँ पर, 50 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके पास ट्राइंगल BOD मिल गया है, ट्राइंगल BOD मिल गया है, तो इसके लिए आप देख लो यहाँ पर तीनों एंगल का सम कर लो, तो फाइनली एंगल ODC प्लस एंगल BOC, ODC हो गया, OBC हो गया, देखो ODC OBC और AOC कितना मिलेगा, 180 डिग्री। तो ये है आपके पास 50, ये है आपके पास 50, और इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से देखो इन दोनों का सम करने पर हमें कितना मिलता है, 100 प्लस एंगल AOC इक्वल 180, तो एंगल AOC इक्वल हो गया ये आपका 180 माइनस 100, एंगल AOC कितने डिग्री का हुआ, 80 डिग्री का। तो फाइनली ये वाला जो एंगल फाइंड करना था आपको वो कितना है, 80 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाक से नोट कर लो, अब स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। हो गया, चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एंगल AOC फाइंड करना है, मतलब कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, फिगर नजर आ रहा है आपको, एंगल AOC फाइंड करना है। अब एंगल AOC को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है ये देख लो आप फटाफट से, जल्दी से फटाफट। ABC दिया हुआ है आपको 115 डिग्री, आपको यहाँ पर जो फाइंड AD यहाँ पर जो फाइंड करना है आपको वो कॉन्सेप्ट आपको सीधा नजर आ रहा है फटाफट से, कौन सा नजर आ रहा है एंगल AOC फाइंड करना है। तो ये देखो AOC एंगल भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है, इस एंगल AOC को फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर,
भाई मान लीजिए यहाँ पर आप एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, तो फाइनली आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप एक और ट्राइंगल बीच में अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो फाइनली 2 into इसका हाफ कर देंगे तो जो इसका 180 माइनस 115, तो 180 माइनस 115 का मतलब हो गया ये तो 5, ठीक है, और यहाँ 7, 6 और 0, मतलब कि 65 डिग्री। ओके, अब हमें एंगल AOC फाइंड करना है, तो AOC क्या होगा, इसका जस्ट डबल होगा। तो फाइनली ये हो गया आपके पास यहाँ पर, फटाफट से हम क्या देखते हैं, AOC ऑप्शन ही गलत है यार, ये हमारे सेंटीमीटर्स में ऑप्शन है, मतलब कि हमें लेंथ फाइंड नहीं करना, हमें तो एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपके पास 130 डिग्री, तो यहाँ ऑप्शन चेंज कर लो, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 130 डिग्री, 180 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो सी है, जो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कोई बात नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम थी, हो गई शॉर्ट, कोई माइंड नहीं करना है इस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इट इज गिवन फिगर ABC इज ए ट्राइंगल, ABC आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल BAC, ये वाला जो आपका एंगल है ये BAC एंगल, ये क्या है 30 डिग्री है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O जो है इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। ओके, अब बाकी चीज आपको नजर आ रही है सारी, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपका जो ये एंगल BOC, एंगल BOC अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो फाइनली आपको इस कोड की लेंथ बतानी है। ये जो कोड नजर आ रही है BC, इस कोड की आपकी लेंथ क्या रहने वाली है, हमें सिर्फ और सिर्फ यही फाइंड करना है कि इस कोड की लेंथ हमारी क्या रहने वाली है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट करो, जल्दी से बताओ मुझे क्या आपका करेक्ट आंसर है, फटाफट से, जल्दी से, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ABCD चारों ही ऑप्शंस, करेक्ट आंसर बताओ मुझे। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल देखो, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर अदर चीज जो गिवन है उसे देखो, फिर अपना आंसर दो आप इजीली। थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, जल्दी से सॉल्व करो, 22 मिनट्स हो गए यार, फटाफट सॉल्व करो। आपको तो सिर्फ इस कोड बीसी की लेंथ बताना है, क्या बताना है, कोड बीसी का लेंथ बताना है। हमें दिया है कि वो जो है सर्कल का सेंटर है और रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस ये OB ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इस कोड की लेंथ हमारी क्या रहने वाली है, फटाफट से। तो देखो हम यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से अगर इसको देखते हैं, ट्राइंगल ABC में, ठीक है, ट्राइंगल ABC में हम क्या देखते हैं, एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल हमें कितना गिवन है 30 डिग्री, एंगल BOC हमें फाइंड करना है। अगर हम मान लीजिए पहले एंगल BOC फाइंड करते हैं, तो आपको पता है ना कि यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल, मतलब कि ये एंगल इस एंगल का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। हमने थ्योरम में स्टडी किया हुआ है ना, जहाँ पर हमने आर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया कि यहाँ पर जो इस ट्राइंगल पर जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का क्या होगा, जस्ट डबल होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 into एंगल BAC, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। तो फाइनली 2 into 30, ये हो गया आपके पास 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना मिलता है आपको, 60 डिग्री। अब जब आपके पास एंगल 60 डिग्री है तो मतलब कि ये और ये कोड भी आपस में क्या है, सेम है, यहाँ पर रेडियस भी आपस में क्या है, सेम है। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर 60 डिग्री अगर एंगल मिल रहा है और ये दोनों जो रेडियस है वो सेम है, तो फाइनली हम कह सकते हैं ना कि ये हमारा क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इट इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल और तीनों साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होती है। तो ये जब हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, कितना होगा, सो BC इक्वल 5 सेंटीमीटर, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर, फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल देरी नहीं करनी है बेटा, जल्दी जल्दी करो फटाफट से। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, हमें एंगल CDE फाइंड करना है।
क्या फाइंड करना है, सी डी ई फाइंड करना है। अब सी डी ई एंगल फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें गिवन है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। फटाफट से जल्दी से मुझे बता दो कि एंगल सी डी ई कितना होगा आपके पास यहाँ पर, सी डी ई ये वाला एंगल कितना होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये रहने वाला है आपका, सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब फटाफट से मुझे बताओ कि आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, फटाफट से मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए बी सी डी चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जल्दी से फटाफट बताओ बेटा, फटाफट से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शंस चारों सामने हैं, हमें देखो यहाँ पर गिवन है एंगल बी ओ सी जो है वो है हमारे पास 100 डिग्री। अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कि ये एंगल बी ओ सी जो है ना, अगर ये 100 डिग्री है तो एंगल बी ए ई क्या होगा, इसका हाफ होगा। एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये क्या होगा, हाफ होगा, किसका, एंगल बी ओ सी का। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये एंगल जितने डिग्री का होता है ये एंगल उसका डबल होता है, तो ये एंगल जितने का होगा ये इसका हाफ होगा, जस्ट अपोजिट भी करेक्ट है इसका। तो फाइनली ये हो गया आपके पास यहाँ पर एंगल बी ए सी 1/2 × 100, तो फाइनली ये कितना मिलता है आपको, 50 डिग्री। तो ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका, 50 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं, छापो जल्दी से फटाफट से, काफ़ी टाइम हो गया बेटा, जल्दी से नोट करो, 27 मिनट्स हो गए, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, जल्दी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 1 by 1, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे, जल्दी से चीज़ें सारी आपके सामने हैं, जो आपको करना है वो आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही है। एक मिनट बेटा, इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके पास ए बी इज ए कोड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है हमारे पास और ए बी क्या है, इस सर्कल की कोड है, वो इज द सेंटर, और इस सर्कल का सेंटर जो है वो है आपके पास ओ, रेडियस 17 सेंटीमीटर है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, ओ एम की लेंथ हमारे पास गिवन है, हमें यहाँ पर उस कोड की लेंथ फाइंड करनी है, किसकी लेंथ फाइंड करनी है, कोड की लेंथ, मतलब कि यहाँ पर देखो इस तरह से आप पहले इसको समझो, ये आपके पास है कोड ए बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सर्कल का सेंटर है ओ। अब हमें बोला गया है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, ये लीजिए ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी क्या गिवन है, ये देखो ओ एम, ओ से एम की जो डिस्टेंस है ये है आपके पास 8 सेंटीमीटर, ओ एम है आपके पास 8 सेंटीमीटर, और ये रेडियस, ये रेडियस है आपके पास 17 सेंटीमीटर, क्या है बेटा ये 17 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर ये जो कोड नज़र आ रही है ए बी, इसकी लेंथ आपको फाइंड करना है। अब इस कोड की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये बताओ मुझे जल्दी से, इससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन फेज में, आपको पता हो तो वहाँ पर हमने इससे रिलेटेड एक थ्योरम को स्टडी किया था, उसी से ये सॉल्व होने वाला है। फटाफट से बता दो मुझे कि क्या आंसर मिल रहा है आपको यहाँ पर, फटाफट से जल्दी से फटाफट फटाफट जल्दी से बिना देर किए हुए बोलो बोलो क्या मिल रहा है। अरे भाई सबसे पहले यहां पर ले लो ट्राइंगल ओ एम बी, यहां पर परपेंडिकुलर है मतलब कि 90 डिग्री बन रहा है, ट्राइंगल ओ एम बी, ट्राइंगल ओ एम बी में देखते हैं हम, इस ट्राइंगल ओ एम बी में हम यहां पर देखते हैं तो हमारे पास ओ बी का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा ओ एम स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर के, यही होगा।
राइट पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो यही होता है ना, प्लस यही होता है। अब देखो ओबी की लेंथ कितनी है आपके पास, 17, तो ये हो गया 17 स्क्वायर इक्वल। OM की लेंथ कितनी है आपके पास, 8 स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, ये हो गया आपके पास 289 64 प्लस MB स्क्वायर। इस 64 को ट्रांसफर करो इधर, तो 289 माइनस 64 इक्वल MB स्क्वायर। दोनों को सेपरेट करने पर 225 मिलेगा इक्वल MB स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, तो मतलब कि MB इक्वल रूट ऑफ 225। तो MB इक्वल हो गया यहाँ पर आपके पास 225। किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का, तो 15 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास मिलती है 15 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो यहाँ पर AB की लेंथ फाइंड करना है। किसका लेंथ फाइंड करना है, AB का लेंथ। तो हम यहाँ पर देखते हैं AB जो है हमारी कोड, ये किसके इक्वल होगी, इस पूरे का जस्ट डबल होगा, ठीक है, मतलब कि 2 into MB कर देंगे तो हमारी पूरी AB आ जाएगी ना। तो ये लीजिए AB इक्वल 2 into MB की लेंथ 15, तो AB इक्वल मिलता है आपको यहाँ से 30 सेंटीमीटर। कितना मिलता है, 30 सेंटीमीटर। तो ये कोड जो है हमारी वो है 30 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी तरह की, फटाक से बोलो, नहीं है छापो जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है ना, जल्दी से नोट कर लो बेटा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। जल्दी से कर लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बैक टू बैक हमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, जो चीज़ हम कर रहे हैं वो आपको नज़र आ ही रही है, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन तो क्या होगा यार, पाइथागोरस थ्योरम ही तो यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड हमने थ्योरम स्टडी नहीं किया है कि जब हमारे पास कोई कोड होती है तो इस ये कोड पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं सर्कल से, तो ये जो परपेंडिकुलर है इस कोड को 2 equal parts में डिवाइड करता है। तो अब ये कोड फाइंड करनी है, मतलब कि क्या हो जाएगी, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ओके क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखो। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल ACB इक्वल है एंगल ADB के। तो आपको बताना है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ABC एक पैरेललोग्राम होगा, ABCD एक स्क्वायर होगा, और ABCD इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही कैंसिल हो गया है, डायरेक्टली कैंसिल हो गया है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई है, तो ये तो हो नहीं सकता। ओके अब आपको देखना है कि क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, फटाफट से देखो अब और जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से, मैं हेल्प कर देता हूँ थोड़ी आपके। ये AB, ये CD, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, मान लीजिए ये इसके डायगोनल हो गए AB और AC और BD, क्लियर। अब हमें यहाँ पर दिया है कि एंगल ACB किसके इक्वल है, ADB के, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के आपस में इक्वल है। यहाँ पर अब देख के मुझे बता दो फटाक से, ये तो हमने यार बहुत ही ईजीली कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया यार, कितना ईजी बन गया ये हमारा, फटाफट से। ये दोनों एंगल जो है सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, और सेम सेगमेंट में अगर बन रहे हैं तो हमारा क्या रहने वाला है, यहाँ पर क्या रहने वाला है, क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम, स्क्वायर तो हो नहीं सकता, फटाफट से बोलो। अरे भाई ABCD अगर हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल है, क्या है हमारे पास, ये ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हो सकता है, ठीक है क्लियर, हमने नॉट वाला कैंसिल किया है। ओके ABCD क्या है हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल ACB इक्वल है एंगल ADB के, क्लियर। अब जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्यों, यहां पर हम देख रहे हैं कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये दोनों एंगल जो है वो क्या हो रहे हैं, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, किस में बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट में। जब ये दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट में बन रहे हैं तो फाइनली आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो भाई, ये दोनों एंगल अगर सेम सेगमेंट में बन रहे हैं तो हमें तो सीधा सीधा सा नज़र आ रहा है ना यार, यहाँ पर सारी चीज़ें कितना ईजिली नज़र आने लगी है, नहीं आई, क्लियर करूँ। देखो जब दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं तो आपको पता है सेम सेगमेंट में एंगल ओनली ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बनते हैं, तो ABCD इज ए
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके क्लियर है, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो आपको इसको नोट कर लो फटाफट। ओके चलो मैं पानी भी लेता हूँ, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर है 8 का। फटाफट से बताओ जल्दी से क्या आंसर है आपका करेक्ट यहाँ पर, बोलो बोलो। आपको यहाँ पर दिया है कि आपका जो एंगल बी ओ डी है अगर वो आपके पास 120 डिग्री है, कितना है 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है एंगल ए सी डी, क्या फाइंड करना है एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी फाइंड करने के लिए क्या करोगे फटाफट से बताओ जल्दी से। फटाफट से जल्दी से बोलो जल्दी से भाई। आपका एंगल बीओडी आपके पास 120 डिग्री है, यहां से अगर हम देखते हैं हमें फाइंड करना है एंगल एसीडी, तो इस एंगल एसीडी को फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं यहां पर ये बोलो। इसके लिए अगर हमने एंगल बीसीडी फाइंड कर लिया तो हमारा तो काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। बी सी डी भाई ये 120 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि इस एंगल का ये हाफ होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पर, कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल मिल रहा है हमें बी ए सी, ये एक सेमी सर्कल पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है सेमी सर्कल पर। तो ए सी डी ये अगर आपके पास सेमी सर्कल पर बन रहा है मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है 90 डिग्री, ठीक है, 90 माइनस 60 तो फाइनली कितना हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। कहाँ है 30 डिग्री, ऑप्शन ए में, कितना इजी कॉन्सेप्ट हो गया बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से जल्दी से देख के बता दो मुझे क्या मिल रहा है आपको आंसर इसका फटाफट से। जो क्वेश्चन में बोला गया है वो देखो और फिर सॉल्व करो। इफ द लेंथ ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल, एक कोड है सर्कल पर, उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 3 सेंटीमीटर, और सर्कल के सेंटर से उस कोड का जो डिस्टेंस है वो अगर 3 सेंटीमीटर है तो देन इट्स रेडियस, तो इसकी रेडियस क्या रहने वाली है, मतलब कि ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये कोड हो गई हमारी ए बी कोड, और इस ए बी कोड की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो ये फाइनली पूरी लेंथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर कोड ए बी की, सर्कल के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये है आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ये। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारे पास ए बी क्या है, ए बी क्या है 8 सेंटीमीटर है, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए एम, तो एम बी क्या करेंगे, एम बी फाइंड करने के लिए ए बी अपॉन 2, तो एम बी इक्वल हो जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर, कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गई आपके पास 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, फटाफट से क्या करना है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर OB का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर के, इसी के इक्वल होगा, तो फाइनली OB स्क्वायर, OB की लेंथ कितनी है फाइंड करना है आपको, OM का लेंथ 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस MB का लेंथ 4 स्क्वायर, तो OB स्क्वायर यहाँ से मिलेगा आपको 9 प्लस 16 तो OB इक्वल 25, तो OB स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है,
तो स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर. कितना? 5 सेंटीमीटर. तो आपको ये जो ओ बी फाइंड करना था ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है. कोई प्रॉब्लम नहीं, छापो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से करो, काफी ज्यादा टाइम हो गया बेटा, जल्दी जल्दी करो. ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है आपके पास पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एक पी क्यू आर एस है आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं. तो ये हो गया आपके पास पी क्यू और ये हो गया आपके पास आर और एस. ठीक है, ये आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. अब हमें यहाँ पर इसके डायगोनल भी बनाने हैं, तो ये डायगोनल्स हो गए. हमें दिया है कि एंगल पी आर एस, पी आर एस ये 85 डिग्री है. कितना है? 85 डिग्री. आर ओ एस ये आर ओ एस अगर हमारे पास 45 डिग्री है. कितना है? 45 डिग्री. आर ओ एस अगर हमारे पास 45 डिग्री है, आर ओ एस 45 डिग्री है, तो हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं पी एस आर की वैल्यू. किसकी वैल्यू? पी एस आर, एंगल पी एस आर की वैल्यू आपको यहां पर फाइंड करना है. तो देखो बिल्कुल इजीली गिवन है जो है वो देखो. पी क्यू आर एस क्या है आपके पास? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, इट्स डायगोनल, इट्स डायगोनल पीई एंड क्यू एस क्या है? इसके डायगोनल है. ठीक है, एंड इंटरसेक्ट एट टी पॉइंट. कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये टी पॉइंट पर. क्लियर, एंगल पी आर एस इक्वल है हमारे पास 85 सेंटीमीटर, एंगल आर क्यू एस हमारे पास है 45 सेंटीमीटर. हमें सिर्फ पी एस आर का वैल्यू फाइंड करना है. किसका वैल्यू फाइंड करना है? एंगल पी एस आर का वैल्यू फाइंड करना है. तो देखो हम क्या देख रहे हैं यहां पर, पी आर एस, पी आर एस ये वाला जो एंगल है ये एंगल 85 डिग्री का है. कितने डिग्री का है? 85 डिग्री का. ठीक है, फिर हम देख रहे हैं आर क्यू एस, क्यू और एस ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है हमारा? ये एंगल है हमारे पास 45 डिग्री का. कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का. अगर हम यहां पर ये वाला एंगल भी फाइंड कर लें, मतलब कि एंगल एस पी आर, अगर ये एंगल 45 डिग्री का होगा तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का. क्यों? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल जो है आपके वो क्या है, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं. किसमें बन रहे हैं? सेम सेगमेंट में. तो देखो ट्राइंगल पी क्यू आर ले लो आप, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में हम देखते हैं एंगल पी आर एस प्लस एंगल आर क्यू एस, आर क्यू एस प्लस एंगल पी एस आर. एक मिनट, एक मिनट, ऊपर वाला लेते हैं, सॉरी ट्राइंगल कौन सा लेते हैं हम? ऊपर वाला, ये वाला. ठीक है, ट्राइंगल पी आर एस. ठीक है, ट्राइंगल पी आर एस में एंगल एस पी आर प्लस एंगल पी एस आर हो गया आपके पास, एस पी आर हो गया, पी एस आर हो गया और प्लस एंगल पी आर एस. कितना होता है इन सबका सम? 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी आप सभी को पता है. तो ये हमारे पास है 45 डिग्री, ये हमें फाइंड करना है और ये हमारे पास है 85 डिग्री इक्वल 180 डिग्री. इन दोनों का सम करते हैं तो एंगल पी एस आर प्लस 130 इक्वल 180 डिग्री. एंगल पी एस आर इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल पी एस आर इक्वल हो गया आपके पास 50 डिग्री. कितना होगा? 50 डिग्री. कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में. तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी. फटाक से छापो इसे जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, छापना है तो छाप लो जल्दी से फटाफट. ओके,
तो चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ओके। तो बेटा ये आज के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे हमारे यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट सर्कल से रिलेटेड, ओके। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजीली अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है बिल्कुल। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।